तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं फैज़ान, आप देख रहे हैं PLX फैज़ान। आज जो हम अनबॉक्स करने वाले हैं वो है मेगा सीरीज़ के मेगा 100 एडवांस को। पहले मैंने मेगा 100 को भी अनबॉक्स किया था और उस पर काफ़ी आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो मैंने सोचा कि मेगा 100 एडवांस को भी मैं अनबॉक्स कर देता हूँ और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो है मेगा 100 जो है कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है और आने वाले टाइम पर ये सिर्फ मेगा 100, मेगा 100 एडवांस, मेगा 60 प्लस और मेगा 40 को ही कंटिन्यू रखेंगे, बाकी मॉडल को इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। इन्होंने बनाया है मेगा 60 प्लस की तरह बनाया है और डब्बा भी उसी तरीके का बनाया हुआ है। उसमें इसमें सबसे पहले आपको मिल जाता है बॉक्स में ग्रेट ऑडियो परफॉर्मेंस, बूस्ट अप साउंड एक्सपीरियंस, स्टाइलिश 2.1 स्पीकर विथ 5.25 इंच सब बूफर, मेगा 100 एडवांस का लोगो लगा हुआ है और इसमें वही सारी चीज़ें हैं, ब्लूटूथ, USB कार्ड, मोबाइल, FM सब काम करेगा। तो चलते हैं इसको अनबॉक्स कर देते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, जो है अनसब्सक्राइब नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। दोस्तों ये मैंने अनबॉक्स कर दिया, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है इसका। और अगर हम बात करते हैं इसके वेट की तो थोड़ा सा इसमें इन्होंने वेट को इंक्रीज़ किया है, थोड़े से सेटेलाइट स्पीकर भी थोड़े भारी कर दिए हैं, क्योंकि पहले जो है इन्होंने जो मेगा 100 था, मेगा 100 का थोड़ा सा लूज़ जो है वेट था, हल्का था, तो उसकी वजह से जब स्पीकर चलते थे सेटेलाइट स्पीकर तो वो जो है नीचे गिर जाते थे। तो ये थोड़ा सा चेंज किया है, डिस्प्ले थोड़ा बड़ा कर दिया है, लाइटिंग वगैरह थोड़ी सी चेंज कर दी है, लुक थोड़ा सा बूफर का चेंज कर दिया है एज़ कम्पेयर टू मेगा 100। ये मेगा 100 का एडवांस वर्जन इन्होंने किया है और जो है बूफर का भी वेट थोड़ा सा बढ़ाया है, क्योंकि बॉक्स पे इन्होंने लिखा है 5.25 इंच सब बूफर, तो जो है काफ़ी अच्छी लुक में दिया है। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी रिचार्जेबल स्पीकर से, तो रिचार्जेबल स्पीकर का और इसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिचार्जेबल स्पीकर की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। ये होम थिएटर होते हैं, कंप्यूटर, LED, मोबाइल के लिए बने हुए होते हैं और जो है एक खूबसूरत से जैसे ड्राइंग रूम में या लाउंज में रखने के लिए होते हैं, रूम को कवर करने के लिए होते हैं। और इसमें जो है इसमें इन्होंने सिस्टम दिया हुआ है कि आप बूफर बंद भी कर सकते हैं, बेस का ऑप्शन जो है बैक साइड पे दिया हुआ है, फ्रंट पे आप जो है सिस्टम देख सकते हैं इस तरीके का है। और सारा सिस्टम वही है, उसी तरीके का है जो जो है मेगा 100 में दिया हुआ था सिंपल वाले में। वही रिमोट मिल जाता है, वही वारंटी वारंटी कार्ड मिल जाती है और जो है लुक वगैरह भी थोड़ा सिमिलर उसी की तरह है। तो एक ये चीज़ भी है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो है DC इनपुट की, तो इसमें DC ऑप्शन इसमें नहीं है, 220 ही ऑप्शन है और इसमें माइक का ऑप्शन नहीं है, माइक इसमें कनेक्ट नहीं होता है, सिंपल जो है बूफर सेट है। और अगर हम प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये आपको एटलीस्ट 9 से 10 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि मेगा 100 और मेगा 100 एडवांस और मेगा 40 और मेगा 60 प्लस के तकरीबन जो है 19 और 20 का ही रेट का फ़र्क है, यही रेट में मिलेगा, 10 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। और अभी 2022 के जो रेट चल रहे हैं उसके यही रेट हैं। दोस्तों अगर आप बोलते हैं कि इसको हम बाहर रख के यूज़ कर सकते हैं, तो ये बाहर रख के आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रॉली स्पीकर का मुकाबला नहीं करता। ट्रॉली स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा होती है, लाउडनेस ज़्यादा होती है कि आप बाहर जो है खुली जगह पे चला सकते हैं। ये रूम और होम थिएटर स्पीकर के जाते हैं, 2.1 स्पीकर के जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसको आपको मद्देनज़र रखते हुए, तो अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही है तो आप इतने में ले सकते हैं, रेट बहुत अच्छे हैं इसके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।